प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए हिंदी का एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि हिंदी में वो कौन कौन से टॉपिक है जिसको आप सभी को बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करके जाना है। और बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग अगर इतने टॉपिक तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो। कम से कम आप सभी लोग 80 पार तो आप कर ही सकते हो, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारे वीडियो होने वाला है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं ये क्लास टेंथ के बच्चों का हिंदी का 2022-23 का ओरिजिनल मॉडल पेपर है और इसको खुद अपने वेबसाइट पे यूपी बोर्ड ने जारी किया था, ठीक है। मैंने इसे डाउनलोड करके प्रिंट किया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसका जो यहाँ पे MCQ है मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी MCQ करवा रखा है, सभी को पता है कि अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में हर एक पेपर में 20-20 MCQ यानी कि 20-20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं ये बताने वाला हूं कि इस 20 MCQ को छोड़ करके आप सभी को और कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है जिसे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर एक टॉपिक देख पा रहे हो, निबंध लेखन। ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ये जो निबंध लेखन वाले टॉपिक कितने नंबर में पूछा जाता है और इस निबंध लेखन में आप सभी कौन कौन सा निबंध तैयार करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। कम से कम निबंध तैयार करो लेकिन वहां पे जाकर उतना में ही छाप दो। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये देखो, ये जो निबंध लेखन है ये बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा अधिकतम अंक में पूछा जाता है। और पता होना चाहिए आप सभी को कि बोर्ड के पेपर में 9 नंबर में पूछा जाता है। इतना पता है कि नहीं पता है? पता है तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में यही ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा अंक में पूछा जाने वाला टॉपिक है। जैसे कि आप यहां पर समझ सकते हैं, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आप सभी को तैयार करना है। यही सब टॉपिक बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 समझोगे तो यहाँ पे लिखा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 निबंध दिए गए हैं, चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखना है, इसके बारे में निबंध लिखना है, ठीक है। आतंकवाद इसके कारण और निवारण लिखना है, इसके बारे में लिखना है। जनसंख्या लाभ और हानि, इसके बारे में बताना है कि जनसंख्या वृद्धि का लाभ क्या है, इसका हानि क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। और नारी सशक्तिकरण, इसके बारे में भी आप सभी को निबंध लिखना है, ठीक है। लेकिन देखो 4 यहाँ पे आप सभी तो बोल दिया कि 4 यहाँ पे लिखना है, 4 में से किसी एक के बारे में जो भी आपको याद आ रहा है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। निबंध लिखना है, 9 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, क्या इस चारों को तैयार करके जाओगे तभी आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आप सभी को ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जिसे अगर आप तैयार कर लेते हो, देखो मैं 4 नहीं बताऊंगा, 3 ही बताऊंगा, 3 में से एक तो गारंटी ले लो कि पक्का पूछा जाएगा। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे देखो एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक क्लियर करते चल रहा हूँ, आप सभी को ध्यान से बस सुन लो, 10 मिनट देख लो, आपका 90% पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, निबंध लेखन वाला टॉपिक है। इस वीडियो के माध्यम से अभी जितना बता रहा हूँ 3 यहाँ पे अभी तैयार कर लो निबंध, इसी में से पक्का पूछा जाएगा। देखो सबसे पहला तैयार करना है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, ठीक है। नाम बदल करके देखा, ठीक है, उससे आप सभी को घबराना नहीं है, ठीक है। स्वदेश प्रेम पे भी आप सभी को वही निबंध लिखना है और देश प्रेम पे भी वही निबंध लिखना है, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अगर ये बोलेगा तो इसके बारे में भी आप सभी को वही निबंध लिखना है। अदर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर ये बोल देगा तो अलग लिखोगे, ये बोल देगा तो अलग लिख दोगे और ये बोलेगा तो अलग, इसके लिए याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देख सकते हो ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। 2011 से लेकर के 20 तक एक ऐसा एक भी साल नहीं होगा जब ये नहीं आया होगा, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। और मैंने आप सभी को बोर्ड के पेपर में भी देख सकते हो ये लिखा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। यहाँ पे देखो प्रदूषण, देखो प्रदूषण मतलब पर्यावरण के बारे में बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। तो प्रदूषण की समस्या और समाधान इसके बारे में क्या है, ठीक है, या अगर देखो इसी का नाम, इसका दूसरा नाम है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ठीक है, इसी का नाम है, या ये भी करके बोल सकता है कि प्रदूषण तथा मानव समाज, इसके बारे में सेम टू सेम वही निबंध लिखना है। और निबंध कैसे लिखना है अभी मैं आप सभी को बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे देखो पर्यावरण प्रदूषण देगा या प्रदूषण की समस्या देगा, तो अगर देखो टॉपिक बदल करके देखा उससे दिक्कत नहीं है, जितना आपको याद है, ठीक है, बस खाली ये सब्जेक्ट देख लो, टॉपिक देख लो कि इस अगर इसी टॉपिक में से एक भी कोई टॉपिक आ गया तो छाप देना प्रदूषण की समस्या वाला और समाधान वाला, ठीक है, आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाने वाला, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये भी देख सकते हो 2011 से लेकर 20 तक लगातार आया हुआ है और ये पिछली बार भी आया हुआ है और मॉडल पेपर में तो देख ही सकते हो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और 2023 के बोर्ड के पेपर में 100% लिख लो, गारंटी ले लो अभी आएगा, ठीक है। चलो एक बात और आप सभी को तैयार करना है, बोर्ड के पेपर में ये भी टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, छात्र और अनुशासन, ठीक है,
छात्र और अनुशासन के बारे में, या अनुशासन का महत्व क्या है, या नैतिक शिक्षा का महत्व क्या है, ये भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, समझ सकते हो 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, और ये पिछली बार आया था। ठीक है, पिछली बार का पेपर उठा करके देखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि बोर्ड के पेपर में हम निबंध लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, देखो जब भी कोई भी निबंध लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी को हेडिंग तैयार करना जरूरी है। ठीक है, हेडिंग में आप सभी देखो, सबसे पहले आप सभी को एक रूपरेखा तैयार करना है। ठीक है, निबंध लिखते समय एक तो रूपरेखा तैयार करना है, और रूपरेखा में सबसे पहले यहाँ पर लिखो प्रस्तावना। सबसे पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग का नाम क्या है? प्रस्तावना। समझो यहाँ पे लिख रहे हो प्रदूषण की समस्या और समाधान पे, तो इसके बारे में मैं आप सभी को ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कौन कौन सी इसमें टॉपिक इंक्लूड करोगे। तो प्रस्तावना में, अब प्रस्तावना में क्या क्या यहाँ पे लिखोगे? रूपरेखा तो हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी में चार पाँच टॉपिक लिख दो, जिसमें प्रस्तावना हो गया पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक हो गया प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, दूसरा टॉपिक यहाँ पे लिख लो प्रदूषण का अर्थ, और तीसरा टॉपिक इसी में लिख लो कि अब यहाँ पर अर्थ तो समझ गए, परिभाषा इसका समझा दिए, अब इसमें यह लिख लो कि प्रदूषण की समस्या। ठीक है, प्रदूषण की समस्या। ठीक है, कि प्रदूषण की कौन कौन सी समस्या हो सकती है, और चौथा टॉपिक यहाँ पे ये लिख सकते हो कि प्रदूषण का समाधान, प्रदूषण की समस्या का समाधान। ठीक है, समस्या का समाधान। ठीक है, उसके बाद अंत में देखो इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब देखो इसका मैं अब यहाँ पे लिख दो कारण, प्रदूषण का कारण क्या है भाई। ठीक है, अब इसका मेन मेन कारण क्या है, ठीक है, उसके बाद इसका निवारण क्या है, लास्ट में लिख लो इसका निवारण क्या है। कारण लिख दिया, फिर निवारण लिख दिया, और अंत में आप सभी को लिखना है अंत में टॉपिक यहाँ पे उपसंहार। ठीक है, क्या लिखना है? उपसंहार। ठीक है, यहाँ पे देखो कारण, देखो कारण कब लिख सकते हो, प्रदूषण की समस्या बता दिए, और इसका मेन यहाँ पे रीजन जस्ट इसके नीचे ये लिख सकते हो, और प्रदूषण का समान समाधान या निवारण दोनों एक ही टॉपिक होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जितना आप टॉपिक बढ़ाओगे उतना एग्जामिनर आपका इंप्रेस होगा और नंबर देने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतना हो गया, और अंत में आप सभी को ये टॉपिक पक्का लिखना है उपसंहार वाला, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में देखो, अगर आप देखो प्रस्तावना अगर नहीं लिखते हो नंबर कट जाएंगे, उपसंहार नहीं लिखते हो नंबर कट जाएंगे, इसका कारण नहीं लिखते हो फिर भी नंबर कटेगा, और निवारण नहीं लिखोगे फिर भी नंबर कटेगा। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से लिखना है, और बोर्ड के पेपर में टॉपिक वाइज एकदम बढ़िया से ब्लैक पेन से बना करके लिखना है। ठीक है, इतना मत समझ में आ गया। अब चलो अगला जो हमारा टॉपिक है, निबंध तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगला हमारा जो टॉपिक है ये देखो, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जीवन परिचय। जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो इस टॉपिक को भी तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, छठवा है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखो प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, सबसे पहले लगाओ प्रश्नोत्तर संख्या छठवा का क, और छठवा क में किसके बारे में लिख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक ही को लिखना है, तीन के बारे में नहीं लिखना है, एक ही के बारे में लिखना है, या बोला भी गया कि किसी एक जीवन परिचय लिखते हुए उनका प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो यहाँ पे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। अब देखो जीवन परिचय तो हो गया, मतलब एग्जामिनर को पता चल गया कि आप जीवन परिचय लिख रहे हो, तो किसका लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिख दो हेडिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हेडिंग लगा लो, अब यहाँ से लिखो बढ़िया से इनके बारे में। सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखते समय आप सभी को सबसे पहले इनका जन्म के बारे में लिखना है, जन्म इसका, फिर इनका जन्म स्थान। ठीक है, अब इनका इनका अब साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है बीच में लिख दो, और अंत में इसकी मृत्यु लिख देना है। ठीक है, मृत्यु, और मृत्यु लिखने के बाद इनका खत्म हो गया जीवन परिचय। अब देखो आपसे बोला भी गया कि इनकी रचना का नाम लिखना है, तो रचना यहाँ पे लिख देना, और रचना का नाम एक दो तीन यहाँ पे लिख देना, जितना आपको याद है उतना लिख देना है। ठीक है, अगर आपको अब चाहो तो यहाँ पे लिख देना साहित्य में स्थान। ठीक है, साहित्य में स्थान लिख दोगे एग्जामिनर और इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और नंबर दे देगा। इसी तरीके से सेम टू सेम यही बात यहाँ पे देखो कवि के बारे में भी लिखना है। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास, तीनों के बारे में। ठीक है, तो तीनों आप तैयार कर लेना, और बोर्ड के पेपर में एक तो एक फंसी जाएगा। ठीक है, तो छठवा तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो सातवा, यहाँ पे देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ एक यहाँ पे श्लोक लिखना है, तो श्लोक कैसे लिखोगे, जिसे मान लो मैं आप सभी को ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या सातवा को, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे तीन श्लोक लेकर आया हूँ। ठीक है, तीनों बताऊंगा, देखो सिंपल सा दो दो लाइन का है, आप आसानी से तैयार कर सकते हो, यहाँ से दो नंबर आपका फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या सातवा का, इस तरीके से लिखा गया है, इसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, सातवा क हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख दो यहाँ पे वंदनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, दो तीन बार लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो तीन बार जब लिख लोगे तो पूरा पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अगर ये याद नहीं हो रहा तो इसको लिख लो, इसको तो सुने ही होगे, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस ये तो आसान है, ठीक है। तो ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो दो तीन याद कर लोगे ना तो एक तो पक्का आ ही जाएगा, ठीक है। या ये लिख लो कि हतो वा प्रपेश्य स्वर्गम जीतवा वा भुक्षेश महिम, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे लिख लेना, तीनों याद कर लो, तीनों में से किसी एक तो लिख ही सकते हो। और ये तो याद करने वाला चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको याद करके जाओगे तभी लिखोगे, ठीक है। इसको बना करके लिख सकते हो कि पुराज का आसित, ठीक है। इसके बारे में लिखना, चंद्रशेखर का आसित बीरा केन पूजते, तो बीरा बीरड़ पूजते। ये तो नॉर्मली मतलब कि ये उतना याद करना टॉपिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे इतना तो हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में सभी को पता है कि पेपर तो बदल गया है, ठीक है। तो पेपर बदल गया तो 20 MCQ मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 20 MCQ आएंगे, तो ये तो आसानी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो वर्णात्मक प्रश्न कैसे लिखोगे, अब देखो संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसको भी समझ लो, और कई बार बता रखा हूँ लेकिन इसको अभी बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखोगे। आओ सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कि यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। अब ये सबसे पहले यहाँ पे देखो मित्रता वाला जब बात आ गया तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि मित्रता वाला चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला आइटम हमारा ये पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में क्या लिखते हैं भाई, तो पाठ का नाम लिखते हैं और लेखक का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे बनाना, सबसे पहले हेडिंग कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाना खंड ब, खंड ब, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे कर देना, ठीक है, इतना हो गया। अब खंड ब के बाद यहाँ पे लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या एक, प्रश्नोत्तर संख्या एक, कोई भी रेंडम टॉपिक समझ लो, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लो, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या एक में क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे संदर्भ, ब्लैक पेन से ही लिखना है आप सभी को, ठीक है। अब संदर्भ में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ का नाम, पाठ का नाम लिखते हैं। अब पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम है मित्रता, ठीक है। पाठ का नाम क्या है, तो है मित्रता, तो मित्रता लिख दो, या फिर लिख दो मित्रता, ठीक। अब पाठ का नाम तो मित्रता हो गया, लेकिन लेखक का नाम क्या है, यहाँ पे लिख दो लेखक का नाम, अब लेखक का नाम क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो यहाँ पे लिख दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखो यहाँ से दो नंबर आपका पक्का हो गया, इतना लिख दिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर रेखांकित अंश का व्याख्या कर सकते हो, और इसी पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है वो भी कर सकते हो, ठीक है। आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और सेम टू सेम यही फंडा इसी में अपनाना है, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इस वाले देखो ये कर सकते हो, अथवा ये तो मैंने ऑलरेडी समझ ही रखे हो। अब देखो चरण कमल बंदो हरिराई जागे कृपा पांगो गिर ले हो, ठीक है। तो इसको भी सेम टू सेम वही तरीका है, यहाँ पर लिखो प्रश्नोत्तर संख्या सेकेंड, यहाँ पे लिख दो संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। सेम टू सेम वही वाला है, क्या करना है पदांश का, क्या करना है संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। आसान है, ये भी कर सकते हो, ये भी यहाँ 6 नंबर पा जाओगे। तो इतने सारे टॉपिक को अगर बढ़िया से लिखोगे ना तो अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला, ये भी सेम टू सेम वही है, केसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो इसको क्या करना है, खाली हिंदी में अर्थ लिखना है, बस खाली ये लिख दो कि किस चैप्टर से लिया गया, किस आपकी सब्जेक्ट है उसके बारे में लिख देना है। अब इसको तो संदर्भ व्यक्ति सुक्ति है, इसको तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि कहने का सेंस यहाँ पे है कि अगर देखो अगर आप चाहोगे तो पूरा बढ़िया से लिख करके अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसे लिखने का ढंग बढ़िया होना चाहिए। जिसे मैंने बताया कि सबसे पहले अगर पद्यांश ही पूछे, चाहे गद्यांश पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, लेखक का जीवन परिचय पूछे, तो आराम से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। घबरा के नहीं लिखना है और राइटिंग बना करके लिखना है, तभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।